चलो लाइट क्ले के कुछ अलग शेड्स इस्तेमाल करते हैं। रेड क्ले से एक बॉल बनाएं, ग्रीन क्ले को बेल लें और एक पत्ती काटें। यम, एक जूसी एप्पल। हमें रस्सी चाहिए होगी। ग्रैंडमा, क्या आप हमारी मदद करेंगी? बिल्कुल, मुझे बुनाई करना बहुत पसंद है। एक कप बनाएं। हो गया। शुक्रिया। मेन पार्ट पर रस्सी लपेटें। अब हमारे पास हैंडल्स वाली बढ़िया बास्केट है। अब ये खराब नहीं होंगे। आना और एल्सा एक खेत में आई हैं। वो हो, वहाँ क्या है? प्यारे से पोनीज। चलो उन्हें कुछ सेब देते हैं। यहाँ सबके लिए बहुत सारे हैं। पोनीज सेब को खाकर काफी खुश थे। बहनें फेंस के पास ही बैठ गई। हमें भी थोड़ा खाना चाहिए। कितना सुंदर सेब है। आना ने उसे खाया और उसे कुछ अजीब लगने लगा। हाँ? अरे नहीं, वो तो एक पोनी बन गई है। Oh, no. हमें येलो हेयर पसंद नहीं है, तो चलो इसे बदलते हैं। कुछ ऑरेंज रिबन्स को खोलते हैं। वाह, ये तो बहुत सारे हैं। चलो एक फ्लफी मेन और प्यारी सी पूंछ बनाते हैं। उसके बालों को बांधो, फिर उन्हें ट्रिम कर दो। गोल्ड आई शेडो लगाएं। कितनी प्यारी है। ब्लश लगाएं और प्यारे से फ्रेकल्स। हॉर्न को गोल्डन करें। ब्लू आउटफिट पहनाएं और ब्लैक वेस्ट और अना का सिग्नेचर फ्लोरल पैटर्न। एक फ्लफी स्कर्ट पहनाएं और हूप्स में ग्लिटर लगाएं। कितनी प्यारी लग रही है। ओ नहीं आना, हम क्या करें? पर आना खुश लग रही है। वो मजे कर रही है और बेरीज खा रही है। ओह, तुम्हें भूख लगी है? गाजर खाओगी? या पोनीस क्या खाते हैं? आना गाजर चबाती है और अपने दोस्तों के पास जाने के लिए उसे निगल लेती है। वहाँ कुछ बच्चे आ गए। कितनी प्यारी हॉर्सी है। क्या हम इस पर बैठ सकते हैं? आना, ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल, पर हमें कुछ खास इक्विपमेंट्स की जरूरत है। रस्सी से लगाम बनाएं ताकि आना को वो कंफर्टेबल लगे। सैडल बनाने के लिए फेल्ट के दो पीस वायर फ्रेम पर लगाएं। पुल टैप्स और रिबन से स्टरअप्स बनाएं। फिर हम बेल्ट बकल इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत फायदेमंद, आरामदायक और बहुत स्टाइलिश है। लड़कियां बहुत लकी हैं कि इस फार्म में सब कुछ है। एल्सा आना को तैयार करती है। ठीक है, बैठ जाओ। बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है। वो बहुत लकी है कि उन्हें जादुई पोनी की सवारी का मौका मिला है। एल्सा भी एक सेब खाना चाहती है। हम दोनों पोनीज बनकर साथ में मजे करेंगे। ठीक है, शायद ये मजेदार हो। एल्सा सेब खाती है और वाह, जादू ने फिर से काम कर दिया। अब हमारे पास ब्लू एल्सा पोनी है। चलो देखते हैं हम इस पुरानी पोनी का क्या कर सकते हैं। कपड़े हटाओ, हमें बालों को ब्लीच करना होगा। पगड़ी हटाओ और उसके बालों का रंग बहुत अच्छा हो गया है। मेकअप लगाएं, बहुत सारा ग्लिटर इस्तेमाल करें। उसकी आईब्रोज बनाएं, वो अब एल्सा की तरह दिख रही है। स्पार्कली फैब्रिक और ट्यूल से एक स्कर्ट बनाएं। स्नोफ्लेक्स वाला सी थ्रू बॉडी सूट पहनाएं और क्रिस्टल का वेलवेट चोकर पहनाएं। उसके पंखों पर बर्फ लगी है और उसके हूफ सिल्वर हैं। यहाँ तक कि उसके बालों पर भी स्पार्कली स्टार्स हैं। एल्सा हमेशा शाइन करती है। एल्सा खो गई है। वो कहाँ हो सकती है? मुझे मिसिंग पोस्टर लगाने होंगे। पर तभी ओलाफ को हिलती हुई झाड़ियाँ दिखी। कैसे हो ओलाफ? ओह, तुम जिंदा हो। रुको, तुम तो एक पोनी हो। कब से? मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या हुआ। ओह, मैं कह रही हूँ कि ये एक लंबी कहानी होने वाली है। Yes. चलो चले।
हम ये ब्लू फोम पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो इसे एल्सा के हूप्स के नीचे रखते हैं। हमें चार प्रिंट्स मिल गए। सोल को बचाने के लिए उस पर स्ट्रिप लगाएं। रस्सी से शूज बंधे रहेंगे। ओह, इतने सारे पॉम पॉम्स। चलो सबसे क्यूट वाला उठाते हैं। वायर से ब्लेड बनाएं। ये स्केट्स परफेक्ट रहेंगे। फ्रोजन एम्यूजमेंट पार्क में आपका स्वागत है। हे, मैं ओलाफ हूँ। नए ट्यूटोरियल के लिए तैयार हो? देखो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं घूम और जंप कर सकता हूँ। मैं प्रैक्टिकली एक ओलंपियन हूँ। एल्सा भी ट्राई करना चाहती है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। क्या मैं भी ट्राई कर सकती हूँ? तुम्हारे हूप्स में खास स्केट्स लगाने होंगे। मेरे पास तुम्हारे लिए एक पेयर है। इन्हें पहनो, पर ध्यान से, ये फिसल सकते हैं। वो साथ में बर्फ पर चले। एल्सा बहुत तेज चल रही है और ओलाफ उसके रुकने में मदद नहीं कर पाया। ओह, ध्यान से, आइसक्रीम वाला हैरान है। चिंता मत करो, हम आपको इसके पैसे दे देंगे। मेरे ख्याल से मुझे अपने लिए भी स्केट्स बनाने चाहिए। वुडन स्टिक से ग्रीन हाउस बनाए। हम एक एक करके पूरा स्ट्रक्चर साथ में जोड़ेंगे। क्लियर प्लास्टिक पैनल्स जोड़े। पर्ल हैंडल से ये दरवाजे खुल जाते हैं। पौधे यहाँ सुरक्षित रहेंगे। आना अपने गार्डन का ध्यान रख रही है। उम्मीद है कि इसमें अच्छे पौधे खिलें। फूलों की खुशबू बहुत अच्छी है। ओलाफ वहाँ उससे मिलने आया। आना, तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी ही ठंड आ जाएगी और ये सब मुरझा जाएंगे। क्या मतलब है? क्या मुझे इन्हें बाल्टी से ढक देना चाहिए? ऐसे तो उन्हें बिल्कुल भी धूप नहीं मिल पाएगी। ओह, तो फिर हम क्या करें? ये रहा सॉल्यूशन, एक ग्रीन हाउस। अरे वाह, वो हो, ये तो बकेट से कहीं बेहतर है। चलो देखते हैं ये काम करता है या नहीं। पूरी रात बर्फ गिरती रही। आना अपने पौधों को देखने बाहर आई। ये जिंदा है। हमें प्लास्टिक कंटेनर और एक्रिलिक पेंट की जरूरत है। एक कॉर्ड को काटे, चार टांगे बनाएं और टैप बनाने के लिए स्ट्रॉ इस्तेमाल करें। इसे फूलों से सजाएं। किनारों पर रफल्स लगाएं। टब के कोनों पर फ्लोरल डिजाइन है। आना पूरा दिन गार्डनिंग करके गंदी हो गई है। मुझे अपने आप को साफ करना होगा। मैं नहा लेती हूँ। ये बबल्स तो बादलों की तरह हैं। अब वो बहुत ही साफ और फ्रेश है और नए एडवेंचर पर जाने को तैयार है। लेगो पीसेस से रेलिंग बनाएं। फिर हमें स्टिक्स चाहिए। उन्हें लेगो पर लगाएं, उस पर सिल्वर पेंट करें, सूखने दें और बैरियर्स लगाएं। कॉलम्स को स्नोफ्लेक से सजाएं। हो गया, चलो देखते हैं ये कैसे लगते हैं। ओलाफ एल्सा को ट्रेन कर रहा है। उसे शेप में रहना होगा। yes. एक रॉड से शुरू करते हैं। कूदो, तुमने कर दिखाया। चलो इसे थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। तीन लगाता हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। रेडी सेट जंप। मैंने कर लिया। बहुत बढ़िया, तुम कमाल की हो। एक क्यूब बनाएं, ब्रश के ब्रिस्टल्स को काटें, टॉप पर एक फनल लगाएं, पाइप क्लीनर से बने हैंडल्स लगाएं। इस सिल्वर फोम पेपर कप पर नंबर वन लिखा हुआ है। मेडल को रिबन पर लगाएं। बहुत बढ़िया। ओलाफ शहर में होने वाली पोनी रेसेस का गेम अनाउंसर है। मैं चैंपियन के लिए ट्रॉफी में कुछ गाजरे रख देता हूँ। एल्सा ये मौका गंवा नहीं सकती। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट, गो। चलो भागो। पोनीज बराबरी पर है, पर एल्सा आगे निकल गई और जीत गई। मुबारक हो चैंपियन, तुम
इस इनाम की हकदार हो। एल्सा ने बहुत ही बढ़िया काम किया। बहुत सारी स्पार्कल्स डालें। इसे कॉर्क से बंद करें। लेबल पर लिखा है कि ये एक मैजिक पोनी पोशन है। ये पोशन काम कैसे करता है? बहनों ने पोनीज बनकर बहुत मजे किए, पर वो वापस इंसान बनने के लिए तैयार हैं। मुझे यकीन है कि हमें जो चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। तुम्हें एक एंटीडोट पोशन की जरूरत है, मैं ढूंढती हूँ। मेरे ख्याल से मेरे पास था। ओह, ये रहा। शायद से ये काम नहीं करेगा। हाँ? पर उन्होंने उसे पीने का सोचा। गल्प गल्प गल्प, ये काम बन गया। ओह, मैंने अपने कपड़ों को बहुत मिस किया। मेरे पास फिर से हाथ और पैर है। शुक्रिया। ये बहुत अजीब है, मैं तो पोनी बनना पसंद करूंगी।